जैसा कि आपको पता था कि हमने ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट किया था, तो उसमें थोड़ा सा मतलब लॉस प्रॉफिट दोनों ही हुआ था। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आपको पता था कि हमने ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट किया था, तो उसमें थोड़ा सा मतलब लॉस प्रॉफिट दोनों ही हुआ था, लेकिन हमारा जो कुछ एक प्रोडक्ट था कैटल जो हम सेल कर रहे थे ऑनलाइन, उसमें से कुछ रिटर्न आए थे 10-12, जो कि रिटर्न हमारे तक पहुँचा नहीं है और हमारे रिटर्न में कंप्लीट दिखा रहा है। तो उसी के लिए भी हम जा रहे हैं एक आठ हब, वहाँ जाके पता करते हैं क्या सीन है क्या नहीं है, बाकी की बातें रास्ते में करते हैं। हेलो जी, आप करते हैं बातें जो बातें हमें करनी है। तो बातें ये है कि हमने कुछ टाइम पहले अभी अपना मतलब क्या बोलते हैं उसको ऑनलाइन बिजनेस ई कॉमर्स का काम स्टार्ट किया था, और उसमें हमने कैटल शुरू शुरू में सेल किए अच्छे खासे। एक सेकंड पहले रुक के वॉइस देखते हैं कि इसमें रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि आज वॉइस रिकॉर्ड करने का भी एक नया तरीका हमने आजमाया है। तो वॉइस जो है हमारा वो हो रहा है फोन में मतलब रिकॉर्ड, और उसको हम बाद में मर्ज कर देंगे। हाँ, तो हम जा रहे हैं अभी फ्लिपकार्ट के ऑफिस इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हमने ई कॉमर्स का जो काम स्टार्ट किया था, दोबारा से रिपीट कर रहे हैं, तो उसमें हमने शुरू में कैटल सेल किए थे। ठंड के मौसम में कैटल अच्छा खासा मतलब सेल हो रहा था, तो उसमें से कुछ कैटल के हमारे पास पैसे आए और बाकी के कैटल के पैसे हमारे पास जो है वो नहीं आए। अब रीजन ये था कि बंदे ने मतलब लिया, और वही है कि रिटर्न कर देते हैं, बहुत सारे रिटर्न आते हैं, फिर कुछ बंदे ये भी है कि रख भी लेते हैं, कुछ रिटर्न भी कर देते हैं। तो हमारा जो है वो रिटर्न आया, तो रिटर्न जो है हमारे एड्रेस पे आया नहीं, और उसमें जो है कम्प्लीट शो दिखा रहा है कि भाई हमने रिटर्न जो है कस्टमर को पहुंचाया था, लेकिन कस्टमर ने लेने से मना कर दिया। अब बताओ, हम अपना सामान हम खुद ही मना क्यों करेंगे भाई? हमने तो उसको पैसे लगा के खरीदे ना, उसको हम क्यों मना करेंगे? ये तो वही है ना, फ्रॉडगिरी कर रहे हैं भाई। और हमने मीशो पे भी कुछ प्रोडक्ट जो है सेल करे थे, जैसे कि वाटर हीटर। हमने अभी वाटर हीटर दिया था ठंड में मीशो पे, तो 4-5 मतलब उसके ऑर्डर थे, तो उसमें से क्या हुआ, एक जो है हमारा रिटर्न आ गया, बाकी तो एक्सेप्ट कर लिया था, बाकी सब ले लिया था कस्टमरों ने। एक कस्टमर कहता ना कोई ना एक ना एक तो हरामी मिल ही जाता भाई। अब यहाँ पे पता करते हैं। तो फाइनली दोस्तों, पार्किंग वाले से हमने पता किया, बता दिया कि इस पार्किंग के अंदर ही है फ्लिपकार्ट का ऑफिस। अभी चलते हैं और सारी परेशानियों को दूर करते हैं। ओ भाई साहब, अब देखते हैं क्या सीन सपाटा है अंदर का। तो दोस्तों, कुल मिलाकर अभी हम आ रहे हैं फ्लिपकार्ट के ऑफिस से, और उन्होंने बताया कि भाई तुम्हारे पास ऑर्डर आया लेकिन तुमने एक्सेप्ट नहीं किया, मतलब रिटर्न ऑर्डर आया एक्सेप्ट नहीं किया। भाई जब हमारे पास कोई फोन ही नहीं है, कुछ कॉल ही नहीं है, कह रहा ऑफिस से भी कॉल गया होगा ये वो, बट क्या करे, बहस कर नहीं सकते ज्यादा, मिलना कुछ है नहीं हमें वहां से। तो हमने उसको बोला कि भाई देख, आया तो है नहीं हमारे पास, बात रही रिजेक्ट करने की, तो यार हम अपना खुद का सामान क्यों रिजेक्ट करेंगे भाई, अपना नुकसान क्यों ही करा लेंगे, क्या ही मिलेगा। हमने उसको बोला कि भाई यार हम अपना सामान क्यों रिजेक्ट करा सकते हैं। तो उसने बोला कि भाई तुम ना स्टंप बना लो, स्टंप जो होता है वही मतलब रिटर्न पे स्टैंप लगता है, स्टैंप बना लो, उसके बाद जो भी तुम्हारा रिटर्न माल है वो सब आ जाएगा, टेंशन मत लो। हमने बोला चलो भाई देखते हैं आ जाए, उम्मीद वही करते हैं। मैंने बोला भाई देखो, हमने मीशो पे भी काम किया, मीशो पे ये था कि जब रिटर्न आया हमारा तो बंदा रिटर्न लेके वो आ गया, और आने के बाद हमें रिटर्न भी दिया, कॉल भी किया आके एड्रेस पे, लेकिन तुम्हारा कोई बंदा हमारे एड्रेस पे पहुंचने के बाद ना ही कॉल किया ना ही कुछ किया, जहां से हमारा ऑर्डर पिकअप होता वहां पे भी आके किसी को नहीं बोला, तो ये तो तुम्हारी गलती है। तो बस बोला कि ठीक है भाई, व्हाट्सएप नंबर लिया उसने, मतलब उसने बोला जितना भी तुम्हारा पिकअप आईडी है, तो सॉरी ट्रैकिंग आईडी है, वो ट्रैकिंग आईडी मुझे व्हाट्सएप कर दो और कि स्टैंप बना लो, कल का जो रिटर्न हमारा आज भी रिटर्न आया था वो तो हुआ नहीं, तो स्टैंप की वजह से बोला कल स्टैंप लगा दो और रिटर्न को एक्सेप्ट कर लो, बाकी सारे रिटर्न जो भी बच रहे हैं वो भी आपको धीरे धीरे आ जाएंगे, जाएंगे कहीं नहीं, बस देखते हैं, बोला तो है उसने। बाकी ब्लॉग अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को, और बाकी सब बढ़िया है, जुड़ जाओ यार जल्दी से, 10,000 कराओ, 10,000 की भूख है, पहले 1,000 की भूख थी, 1,000 की भूख कंप्लीट हुई, अब मुझे 10,000 की भूख है।
टाटा बाय बाय बूम बम।